अखिलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और बड़ी संख्या में लोग इस वक्त यहाँ आपको देख रहे हैं। सुधीर जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और जितने लोग यहाँ पर हैं मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। जी अखिलेश जी सबसे पहले तो मुझे लगता है ऐसा प्रश्न जो सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, संगीत की तरह आपके कानों में आएगा, वो ये है कि जो उपचुनाव हुए हाल ही में, दो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, उसमें आप सुपरस्टार की तरह उभरे हैं, तो सारे लोग आपके जीत के बारे में जानना चाहते होंगे कि आप जीते कैसे, लेकिन मैं वहां से आपको ले जाना चाहता हूं जब विधानसभा चुनाव में आपकी बहुत बुरी हार हुई, लोगों ने आपको बिल्कुल डिस्काउंट कर दिया, उसके बाद लोगों ने कहा अब आपका करियर समाप्त हो गया, और ये जो बीच का जो समय था और उसके बाद अब ये यहां जीत हासिल करना, ये आपका समय कैसा रहा? देखिए जो हमारे लिए तो राजनीति और ये राजनीति में जो उतार चढ़ाव हैं कोई नए नहीं है। मैं जब से राजनीति कर रहा हूं तब से मैंने देखा है कि कई बार नेताजी की सरकार बनी और कई बार सरकार नहीं बन पाई। 2012 से 17 तक हम लोगों को बहुत काम करने का मौका मिला और हम चाहते थे, जितने भी समाजवादी लोग थे वो चाहते थे कि 2017 में दोबारा सरकार लौटे, लेकिन किन्हीं कारणों हम सत्ता में नहीं लौटे। जनता को जितनी हमारा सहयोग करना चाहिए था सहयोग किया, क्योंकि अगर 12 से तुलना करें तो 17 में बड़े पैमाने पर जनता ने हमारा सहयोग किया। लेकिन जिस तरह की राजनीति को बीजेपी ने चुना उसकी वजह से समाजवादी लोग हारे और हमारी सरकार नहीं बन पाई। ये सत्ता में रहना और सत्ता से बाहर चले जाना, मैं समझता हूं जो सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अगर सरकार में है तब भी वो काम करते हैं, सरकार में नहीं रहेंगे तब भी काम करते हैं। ये अलग बात है, जो दूर से लोग बैठते हैं वो सोचते होंगे कि शायद सत्ता नहीं है तो इसका मतलब समाजवादी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो ये दो उपचुनाव हुए हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री दूसरे उप मुख्यमंत्री, हम तो ये कहेंगे कि दोनों मुख्यमंत्री हारे हैं, क्योंकि एक जिन मुख्यमंत्री के बारे में कोई नहीं चर्चा कर रहा था 2017 में वो मुख्यमंत्री बन गए, जिनके बारे में सबने कहा कि शायद वही मुख्यमंत्री बनेंगे वो उप मुख्यमंत्री बने। तो हम तो ये मानते हैं कि दोनों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से हारे हैं और हारे इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने जनता को धोखा दिया है। अगर जनता के वादों पर खरे उतरते तो शायद जनता इनके खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर मतदान नहीं करती। हम तो दोनों लोकसभा हारे हैं, 3-3 लाख से हारे थे हम, और आज हजारों से जरूर गिनती आई है कि जीते हैं, लेकिन अगर पूरा हिसाब किताब ठीक लगेगा लोकतंत्र का तो दोनों मुख्यमंत्री लाखों लाख वोट से हार करके आए हैं। और जहां तक सवाल राजनीति का है तो राजनीति में तो उतार चढ़ाव आने भी चाहिए, और जो इंसान है और हम और आप, कभी अच्छे दिन आते हैं कभी बुरे दिन आते हैं, और ये तो राजनीति का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ऊंचा नीचा रास्ता है। कभी तो जनता की सेवा करने का मौका मिलता है, कभी कभी जनता नाराज हो जाती है तो जनता आपको हटा भी देती है, तो फिर मौका मिलता है जनता का सेवा करके दोबारा सत्ता में आने का। जी ये जो जीत आपको हासिल हुई है इसमें आपका खुद का कितना योगदान है, योगी जी का और मौर्य जी का कितना योगदान है, और मायावती का कितना योगदान है? मेरा कोई योगदान नहीं है इसमें। हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री, उनका ज्यादा योगदान है। और मायावती जी का कितना योगदान मानते हैं आप? उन्होंने सहयोग दिया और उनका समर्थन मिला, उससे उत्साह और वोट में हमारे ज्यादा इजाफा हो गया। जी अखिलेश जी अब चर्चा इस बात की है कि आप और मायावती जी दो बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और बीजेपी ने आप दोनों को भी एक साथ मिला दिया, या तो बीजेपी का डर इतना ज्यादा सता रहा था या बाउंस बैक करने की आपकी भी इतनी इच्छा थी और उनकी भी प्रबल इच्छा थी, क्या अब यही टीम आगे भी खेलेगी, आगे के मैचेस में भी यही टीम हमें देखने को मिलेगी? कभी कभी दूसरे लोगों से भी सीखना चाहिए, हमने तो बीजेपी से ही सीखा। अगर देश में सबसे ज्यादा जातिवादी कोई बात कर रहा है तो बीजेपी ने की,
अगर धर्म के आधार पे किसी ने राजनीति की तो बीजेपी ने की। तो हम जो कर रहे हैं यूपी में, नॉर्थ पोल साउथ पोल या हम और बसपा एक साथ हुए हैं, तो हम तो धन्यवाद देंगे बीजेपी का कि बीजेपी ने कम से कम हम लोगों को ये तो सिखा दिया। हम तो एक्सप्रेस वे लेके घूम रहे थे कि एक्सप्रेस वे से वोट मिलते हैं, लैपटॉप से वोट मिलते हैं, मेट्रो बनाने से वोट मिलते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो सिखाया हम बीजेपी के रास्ते पर हैं। लेकिन मैं एक बीजेपी को बता दूं कि हम समाजवादी लोग कभी विकास का रास्ता भूलने वाले नहीं हैं। जी, बीजेपी ये भी कह रही है कि ये अनएथिकल अलायंस था, दोनों पार्टियों ने आपस में सौदेबाजी कर ली और मिलकर हमें हरा दिया। आप मानते हैं ये अनएथिकल अलायंस था क्योंकि ना तो आपने कुछ एजेंडा दिया लोगों को, ना मायावती जी ने दिया, एजेंडा ये था कि बीजेपी को हराना है बस, लोगों को क्या मिलेगा इसका जवाब आपके पास नहीं था। अगर बीजेपी एथिक्स की बात करेगी तो बड़ा अच्छी बात है। इन्होंने बीजेपी और इतनी अच्छी बात कर रही है, हमारे अलायंस को कह रही अनएथिकल अनहोली अलायंस है। अरे हमने तो इससे भी ज्यादा खतरनाक बातें सुनी यहां पर। बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये सांप छछूंदर का अलायंस है, ये चोर चोर मोसेरे भाइयों का अलायंस है। हम तो जानते हैं गांव गांव में रामायण होती है, कोई गांव भारत का नहीं है जहां पर रामायण के बारे में लोग नहीं जानते। बताओ रामायण के बारे में क्या क्या कहा इन्होंने, और वो हमें सिखाएंगे एथिक्स जिन्होंने नकली राम, नकली लक्ष्मण, नकली सीता, नकली एक पुष्पा विमान लेकर के अयोध्या में जनता को धोखा दिया। अरे जो नकली राम लाए हों, नकली सीता लाए हों, नकली लक्ष्मण लाए हों, उनसे हमें क्या सीखना है? और फिर ये क्यों भूल जाते हैं बीजेपी के लोग कि सीता की तस्वीरें व्हाट्सएप पे कैसी चली थी? तो ये एथिक्स हमें ना सिखाएं भाई, हमने तो उन्हीं से गणित सीखा है। जो जो उन्होंने काम की बात नहीं की, हमने काम की बात की। और मुझे तो अच्छी तरह याद है आपसे आखिरी बात तो बीजेपी की पकोड़े वाली हुई थी, ये पकोड़े ने हरा दिया उन्हें। और जो चाय पे चर्चा करते थे, हमने तो सच्चाई पे चर्चा कर दी, इसलिए बीजेपी हार गई। इन्हें तो बच्चों को ऑक्सीजन देनी थी, ऑक्सीजन छीन ली इन्होंने। इन्होंने सड़क बनानी थी, सड़क नहीं बनाई। हमारे गांव की बहुत चिंता थी इन्हें कि हमारे गांव में बहुत काम हो गया, इटावा में बहुत काम हो गया। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा, ये बताओ 500 बेड का अस्पताल बन रहा है गोरखपुर में, आपने अपने बजट में कितना पैसा दिया? जो एम्बुलेंस चल रही है 108 102, उन एम्बुलेंस का आपने डीजल पेट्रोल क्यों छीन लिया? आप 102 एम्बुलेंस चल रही थी गर्भवती महिलाओं के लिए, वो क्यों रोक दी? 100 नंबर जो पुलिस के लिए चल रहा था वो रोक दिया। और फिर हमें सिखाते हैं कि लाल टोपी मत पहनो। अब तो मन ये करता है कि बीजेपी के सामने जब भी हम निकलें और अगर पता लग जाए बीजेपी के लोग, तो लाल टोपी पहन लें हम भी सर पे। अखिलेश जी, अब मायावती जी के साथ जो आपका गठबंधन है, क्या अब ये बाकी के चुनावों में भी जारी रहेगा? नाउ इज इट अ टीम नाउ? देखिए मैं तो ये कहता हूं कि मैंने उन्हें हमेशा सम्मान दिया, मैंने उन्हें बुआ की तरह सम्मान दिया, तो अब तो ये एक अलायंस या एक तरीके से दोनों में संबंध अच्छे हो गए हैं। तो भाई कोई संबंध बिगाड़े नहीं, हमारा यही निवेदन है। हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जगह जाएंगे चर्च में कि भाई हमारे रिश्ते का ये खराब ना कर दें कोई। जी, तो आप चाहते हैं कि रिश्ते बने रहें और आप मिलकर आगे चुनाव लड़ें? अभी तक तो बीजेपी ने यही सिखाया है कि सभी दलों को मिलकर के, सभी जातियों को उनकी गणित समझा करके अलायंस बना लो और जीत लो चुनाव। तो हम भी उन्हीं से सीखे हुए लोग हैं। जी, पर आप यही तो बात थी ना, नैरेटिव क्या है आपका? जी जी, यही तो लोग हमसे पूछते थे कि नैरेटिव क्या है। हम तो ये कहते हैं कि नैरेटिव ये बीजेपी ने हमें दिया, वही हमने नैरेटिव बना लिया। जी अखिलेश जी, आपको ऐसा लगता है आज का माहौल देखकर टीडीपी ने अपना समर्थन ले लिया है केंद्र सरकार से वापस, एनडीए से, शिवसेना भी नाराज चल रही है और भी कई लोग नाराज चल रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ आ रहा है, क्या आप तीसरे मोर्चे की कोई संभावना देखते हैं? कि आपको ऐसा लगता है कि गठबंधन की राजनीति का ये सबसे बढ़िया मौसम है इस समय? देखिए मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहा हूं, हालांकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं पार्टी का, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादा रुचि ले रहे हैं इस समय, देश की राजनीति में अभी कम ले रहे हैं। जी, तो
तो मतलब अभी आपकी दिलचस्पी योगी जी में ज्यादा है, मोदी जी में कम है? मंत्री बनाता है, मैं समझा नहीं, दोनों लोग हो सकता है दोनों की पॉपुलरिटी बराबर हो। जी, पर ये चुनाव से पहले आपने राहुल गांधी के साथ भी समझौता किया था, गठबंधन किया था, तब आप हार गए थे। इस चुनाव में राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का भी उम्मीदवार उतारा, आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्हें भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था और आपको और मायावती जी को समर्थन देना चाहिए था? अगर आप ये चुनाव पूरा देखें बाई इलेक्शन, तो कई फैसले अलग पार्टियों ने अलग अलग समय पर लिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले प्रत्याशी तय करके उतार दिए, समाजवादी लोग जब तक सोचे कुछ दिनों बाद प्रत्याशी उतारा, बाद में बहुजन समाज पार्टी का हमें हालांकि सहयोग सीधा नहीं दिया गया था, लेकिन यह कहा गया था कि जो बीजेपी को हरा रहा है उसका सहयोग करें, तो वो हमें समर्थन मिला। तो आप देखेंगे उपचुनाव में कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, लेकिन समय समय पर जो फैसले लिए राजनीतिक दलों ने, और हमारी पार्टी पिछले कई महीनों से काम कर रही थी जमीन पर, क्योंकि बीजेपी के लोग पन्ना प्रभारी बनाते हैं और उनके पास आरएसएस का एक वो है संगठन जो कुछ भी कह देता है, एक आरएसएस का संगठन है जो कुछ भी कह देता है कि आपको लैपटॉप मिलेगा, आपको जमीन मिल जाएगी यहां पर, आपको नौकरियां दी जाएंगी, ये तो पुराने लोगों ने नौकरी नहीं दी। तो इस तरह का जो संगठन है वो भी था उनका, लेकिन हम धन्यवाद देंगे जनता को कि समाजवादी लोगों की उन्होंने मदद की, क्योंकि उन्हें याद है कि समाजवादियों ने काम किया था उनके बीच। जी अखिलेश जी, अभी इन्होंने जो गन्ना भुगतान है उसमें लगभग 9000 करोड़ रुपए का बकाया हो गया, जबकि 14 दिन में पेमेंट करने की बात थी। आलू की बेल्ट से आप स्वयं भी आते हैं, लगभग 550 रुपए प्रति क्विंटल का इन्होंने भाव घोषित किया, जबकि 1000 रुपए उसकी लागत आती है, तो 1500 रुपए डेढ़ गुना के हिसाब से करना चाहिए। गेहूं में जब शिवराज सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में 2000 रुपए का दे रही है, आज इन्होंने 1735 रुपए घोषित किया है, और उसके उल्टे लागत बढ़ाते हुए डीएपी खाद पर 176 रुपए प्रति कट्टा बढ़ा दिया है। तो हमारी किसानों की तरफ से मांग है कि आप विपक्ष के रूप में इन सब मुद्दों को उठाएं और इनके ऊपर दबाव बनाएं। जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं ये महत्वपूर्ण सवाल उठाने के लिए। ये सच है कि गन्ना किसानों का अभी भुगतान नहीं हुआ है, आलू किसानों को जो मदद सरकार से मिलनी चाहिए थी नहीं मिली है, जो गेहूं के लिए फैसला लेना चाहिए था नहीं लिया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और आवाज हमने विधानसभा में भी उठाई है। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि कम से कम किसानों का सवाल तो उठाओ, डॉक्टर की तो जरूरत कभी कभार पड़ती है आपको। ये किसान के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता है, बिना खाए पिए हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। कम से कम किसान की जो दुर्दशा की है बीजेपी ने, वो सवाल जरूर उठने चाहिए। मैं अपने किसान नेताओं को भरोसा दिलाता हूं कि हम समाजवादी लोग आपसे सहमत हैं। अब चूंकि किसानों का सवाल शैलेंद्र जी ने आपसे कहा, मेरा अब सवाल यह है कि क्या अब आप ईवीएम को सही मान गए? अब कोई भविष्य में ईवीएम पर सवाल तो नहीं उठाएंगे? जहां तक ईवीएम का सवाल है, मैंने केवल एक सवाल उठाया और मैं आज भी वही सवाल उठाता हूं कि आखिरकार जब ईवीएम खराब हो जाती है, ईवीएम में ठीक किया क्या जाता है? मैं जानना चाहता हूं एज ए पॉलिटिकल पार्टी जी, कि अगर ईवीएम में ज्यादा वोट पड़ जाएं या वोट पहले से पड़े मिल जाएं या एक दल को वोट कैसे पड़ जाते हैं, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि जब ईवीएम खराब होती है तो ईवीएम में आप ठीक क्या करते हैं, और अगर ठीक हो जाती है ईवीएम तो ईवीएम आप खराब भी कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से गोरखपुर में शिकायतें आई थी, आज आप जानकारी कर सकते हैं, आपका सूचना का अधिकार है आपके पास, आप जानकारी करिए कि कितनी ईवीएम खराब थी। कई ईवीएम पर घंटों वोट नहीं डाल पाए, कई ईवीएम पर वोट पहले से डाले हुए थे, कई ईवीएम बदली गई हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर बैलेट से वोट पड़ा होता तो शायद समाजवादी पार्टी की और बड़ी जीत होती। दूसरी बात मैं ये कहता हूं, ईवीएम के बटन दबाने से गुस्सा नहीं निकलता जनता का, जब बैलेट सामने पड़ेगा और उस पर ठप्पा लगेगा तब थोड़ा बहुत गुस्सा निकल पाएगा बाहर। जी अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला, आप यहां तो नहीं आ पाए लेकिन वहां से भी आपके साथ अच्छा संवाद हुआ लखनऊ से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुधीर जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभकामनाएं हमारी आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
रविशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था आपके साथ संवाद करने का क्योंकि देश में इतना सब कुछ चल रहा है और राजनीति चारों तरफ छाई हुई है। अभी नतीजे आए हैं तो सबसे पहले तो जो तमाम लोग जो जानना चाहते हैं आपसे इस बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो सरप्राइज, आप खुद भी बहुत सरप्राइज हुए होंगे और जनता भी काफी सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई जो ये उपचुनाव के जो नतीजे आए। देखिए मैं इस विषय को थोड़ा पूर्णता में रखना चाहता हूं। जी पहला सवाल आप मुझसे पूछेंगे टीडीपी ने क्यों छोड़ा, आप पूछेंगे हम नहीं चाहते थे कि टीडीपी छोड़े, हमारे साथ वो आए थे। जी नहीं वो पीछे से स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, क्षमा करें। अब आवाज मेरी क्लियर है? मेरी आवाज तो इतनी कमजोर नहीं है फिर भी परेशानी क्यों थी भाई। तो हमारे साथ टीडीपी आए, अब उनको हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दे सकते क्योंकि फिनांस कमीशन की आपत्ति थी, अब उसको मानना था। हमने कहा हम आपको स्पेशल कैटेगरी नहीं देंगे, स्पेशल असिस्टेंस देंगे और जितना स्पेशल कैटेगरी में मिलता है उतना ही पैसा दूसरे खिड़की से डाल देंगे आपको, यही तो बात थी। समस्या न मोदी जी से है न हमसे है, समस्या आंध्र प्रदेश की है। उनको जगन रोज चिढ़ाते हैं कि आपको क्या मिलता है, तो अब वो चले गए, हमें इसका अफसोस है। और आज एक बात मैं पहली बार बोल रहा हूं आप सतीश जी, जी चंद्रबाबू की पार्टी को बहुमत मिला, जगन जी को बराबर वोट मिला था, उनको बहुमत बुलाने में हमारे नेता मोदी जी के कैंपेन का भी असर था आंध्र प्रदेश में, इस बात को मानना चाहिए क्योंकि उनके साथ कैंपेन कर रहे थे, 2 हम जीते 16 उनकी पार्टी जीती। अब आगे देखिए, अब चले गए तो इसका हमें अफसोस है लेकिन अपनी ओर से आंध्र के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल कंपल्शन है, जगन आंध्र की लोकल पॉलिटिक्स है जी, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। और आप ही मैं कह रहा हूं अगर आपको मुझे 10,000 करोड़ देना है तो आपको हम इस खिड़की से दे या इस खिड़की से दे, दिक्कत क्या है, हमें इसी खिड़की से दो जो खिड़की संवैधानिक रूप से बंद है, यही तो बात है। मुझे मालूम है मैं देश का आईटी मंत्री भी हूं, कितने इंस्टीट्यूट दिए गए मेरे विभाग से, बाकी गया है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आया है, आगे भी करेंगे, उनके अमरावती के लिए पैसे भी दिए गए हैं, आगे भी देंगे। अब जो रही बाय इलेक्शन की बात, मैं आपसे साफ साफ कहूंगा गोरखपुर के रिजल्ट का हमें दुख है, हमारे मुख्यमंत्री महाराज जी ने भी कहा है, यह अपेक्षा नहीं थी जी, इसके कारणों की जांच करनी पड़ेगी। और मैं आपको मालूम है कि मेरी सोच बहुत डिफरेंट होती है, हमें जनता ने वहां जिताया था तो कुछ हमारी अंदर की कमियां रही होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि क्या हमारा ओवर कॉन्फिडेंस था, बाकी था। जहां तक बिहार का सवाल है मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिहार में अररिया सीट में हम, हां एक बात, हम गोरखपुर हारे हैं 20-25 हजार वोट से, फूलपुर हारे हैं लगभग 50 हजार वोट से, तो लोकसभा के चुनाव में 4.25 लाख 4.5 लाख वोट कम नहीं होता है। अररिया में बीजेपी 6 सीट में 4 पर लीड की, अब 2 जो अल्पसंख्यक सीट थे वहां उनको 1 लाख प्लस का लीड आ गया, लेकिन 4 सीट में बीजेपी लीड की। हमारा जो रोहतास है भभुआ वहां हम जीते और एक हम हार गए। देखिए जनता का आदेश हम स्वीकार करते हैं लेकिन आज हम जी टीवी के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं और आपकी उपस्थिति में, 2009 में बिहार विधानसभा में 10 बाय इलेक्शन हार गए जी, 10 के 10। एक साल बाद भाजपा जदयू को 2/3 बहुमत मिल गया, बिहार की जनता ने दे दिया विधानसभा के चुनाव में। कई बार बाय इलेक्शन का एक मिजाज होता है, इस बात को समझिए आप, लोकल फैक्टर, उदासीनता या बाकी कुछ, लेकिन जब भी पुराना मेन चुनाव होता है तो जनता का मिजाज दूसरा होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, इसमें थोड़ा व्यंग भी है मैं, उपचुनाव सांत्वना पुरस्कार विपक्ष को मुबारक, मेन चुनाव जनता हमें आशीर्वाद देगी, यह बात जी। लेकिन जैसा मैं बात कर रहा था कि माहौल इस समय ऐसा है कि ये जो 3 उपचुनाव हुए जिसमें आप हारे, विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि उन्हें सफलता का एक टेम्पलेट मिल गया, सफलता का एक फॉर्मूला मिल गया और इस फॉर्मूले से उन्होंने देश को बता दिया कि बीजेपी को हराया जा सकता है, नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, ये संभव है। तो जो शीशे की जो दीवार थी वो टूट गई है। देखिए मैं इस पर थोड़ा बोलना चाहता हूं, अच्छा किया आपने, ये सोच के आधार पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। अभी अगरतला त्रिपुरा में हमें 2/3 बहुमत मिला,
जहां हमारा एक काउंसलर भी नहीं था। नागालैंड में बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों को लड़ाया, हमारे 12 जीते, जहां 88% क्रिश्चियंस हैं। मेघालय में हम जीते, सरकार में हैं, जहां 90% क्रिश्चियंस हैं। पहले मणिपुर में सरकार बनी, मैं असम में भी प्रभारी रहा हूं, बीजेपी बहुत कमजोर थी। तो आज 7 में 6 प्रदेश हमारे हैं नॉर्थ ईस्ट में। और ये क्यों हुए? मोदी जी ने कहा तुम लोग सब लोग नॉर्थ ईस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैं आसाम की 5 सीटों का प्रभारी हूं, दीपू, कोकराझार, बाकी जगह जाता रहता हूं। तो आज इतनी बड़ी जीत पर कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन अगर एक जगह 2 चुनाव में हार गए, मालूम हुआ तूफान आ गया है। और दूसरी बात, जो आपने टेम्पलेट की बात कही ना, इसमें मुझे एक बात कहनी है। हिंदुस्तान की सियासत सुधीर बाबू अब बहुत आगे बढ़ गई है। अब देवेगौड़ा और गुजराल की राजनीति नहीं चलेगी। अब देश अपेक्षा करता है कि तुम्हें शासन दिया, ईमानदारी से काम करो, डिलीवर करो, 5 साल बाद देखेंगे। अच्छा काम करते हो आशीर्वाद देंगे, नहीं काम करते हो छुट्टी करेंगे। तो आज आप समझते हैं ये आ गए साथ में, वो आ गए साथ में, फिर टूट गए, फिर फूट गए, फिर जुड़ गए ये देश। और आपको बता दूं, आज आपको पता ही है कि मैं छात्र जीवन से सक्रिय रहा हूं, जेपी मूवमेंट में, विद्यार्थी परिषद में, लेकिन आईटी मंत्री के रूप में मैं देश को देख रहा हूं। एक नया उत्साह, एक नई सोच, बिल्कुल आसमान को छूने की ताकत। तो वो एक नया हिंदुस्तान बन रहा है, और ये नया हिंदुस्तान इस तरह की उठापटक से अपने को दूर रखता है। और जहां तक आपने कहा मोदी जी के खिलाफ सब, तो कौन सी नई बात है सुधीर बाबू, मोदी जी के खिलाफ तो शुरू से सब रहे हैं, गुजरात से ही रहे हैं ना। वो 14 में जब आए थे लड़ने, तो आप याद ना, दिल्ली के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने बड़ी बड़ी अपील की थी कि मोदी जी को मत वोट देना, याद है ना आपको जी। तो जनता के बीच ईमानदारी से काम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और यही कारण है कि बड़े, मैं विनम्रता से बोल रहा हूं कि आज हम हिंदुस्तान के 70% भूभाग पर राज करते हैं, केंद्र में और प्रदेश में, और किसी कृपा से नहीं, जनता के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से। यह हमारा काम करने का तरीका है और हम करते रहेंगे जी। लेकिन रवि जी, लेकिन इसमें आप ऐसा देखिए कि जहां क्रिश्चियंस हैं या नॉर्थ ईस्ट में, वहां आप सत्ता में आ रहे हैं, और जो आपकी परंपरागत राजनीति रही है, जिसको कि लोग भगवा राजनीति कहते हैं, हिंदूवादी राजनीति कहते हैं, उसका जो गढ़ है गोरखपुर, वहां आप हार रहे हैं, क्या यह भी एक संदेश है? देखिए, इसको आपको लोकल फैक्टर्स में देखना पड़ेगा। देखिए, यह भी तो हो सकता है कि अब राम मंदिर से लोग उतने प्रभावित नहीं होते जितने विकास से होते। दोनों बातें हैं, हमने कभी विकास को छोड़ा था कभी क्या? और देखिए, आपने कहा राम मंदिर की बात, तो रविशंकर प्रसाद का एक और परिचय है ना, कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामलला के वकील भी रहे हैं, जहां हम लोग की जीत हो गई है जी। हमने राम जन्मभूमि के विषय को कभी भी चुनाव से जोड़कर नहीं देखा, वरना 89 से पार्टी ने इस विषय को उठाया, कितने चुनाव हो गए। हाँ, हम लोग की इच्छा है कि एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, बाकी कोर्ट अपना फैसला करेगा, लेकिन विकास हमारे एजेंडा में प्रमुख रहा है। और आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कभी आप एक दिन बहस करिए। IMF की कल रिपोर्ट क्या आई है कि भारत के विकास की दर 7.3% होगी, आगे 7.4% होगी और 8% होगी। आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट थ्रो कर रहा हूं जी, 48 साल बनाम 48 महीने। 48 साल नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी, राजीव गांधी का राज रहा है, भारत की ग्रोथ रेट क्या थी? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम था 3%। और आज मोदी जी का शासन है 7% प्लस 7.3% प्लस 7.5% प्लस। ये होता है विकास, जो आपके सामने हम कहना चाहते हैं। हमने कहा था सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी विकास। आज हमने 30 करोड़ बैंक अकाउंट खोले, गरीबों को आधार से जोड़ा, और सारे गरीबों के पैसे मनरेगा के, गैस की सब्सिडी के, उनके बैंक में डालना शुरू किया। और हमने 57,000 करोड़ रुपए बचाए जो बिचौलिए खा जाया करते थे। याद करिए, राजीव गांधी ने कहा था ना, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है। मोदी जी की सरकार में हम गरीब के अकाउंट में 1,000 रुपये भेजते हैं और 1,000 रुपया पहुंचता है। और उसमें किसका धर्म क्या है, किसका संप्रदाय क्या है, किसकी जाति क्या है, ये हम नहीं देखते। वो हिंदुस्तानी है, इसी रूप में हमको ट्रीट करते हैं। तो ये सामने हम करके दिखा रहे हैं जी, और जनता देख रही है, और हम काम ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल बताना चाहता है आपसे।
रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इतनी सारी विषयों पर आपसे बातचीत हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ नहीं, संविधान के बारे में हम आपसे जानना चाहते थे, तो मैं आपको आज एक नई चीज हम दिखाना चाहते हैं, इसको हम रखते हैं, मैं इसको अपने पास रखूंगा। सबसे पहले तो हमारी तरफ से सर आपके लिए, अरे वाह ये तस्वीर है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अभी आज ही कर लेते हैं इसको जी। आज आप सबके लिए रवि जी कुछ लेकर आए हैं और ये एक नई चीज है जो आज आप देखो मित्रों, मैं आपके सामने चाहता हूं कि जी टीवी इस पर बहस करे। ये भारत का ओरिजिनल संविधान है। 2000 में जब मैं एमपी बना था तो मुझे प्रमोद माधव जी ने सारे एमपी को दिया था कि आप लोग देखो, तो मैं तो छात्र हूं, तो जब संविधान बना तो एक सवाल हुआ कि क्या निकालो रामल, कि इसको ऐसे ही डाल दिया जाए। तो उस समय गांधी जी नेहरू जी, अंबेडकर, सरदार पटेल ने फैसला किया कि हम भारत की संस्कृति के प्रवाह को भारत के संविधान में डालेंगे। और नंदलाल बोस पेंटर थे कलकत्ता के, बहुत बड़े, उनको कहा गया। ये देखिए, ये है मौलिक अधिकार, इसके ऊपर क्या है, प्रभु राम सीता और लक्ष्मण के साथ लंका से अयोध्या लौट रहे हैं, ये है पहला स्टेप। वो निकालो, ये देखिए, ये है डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। महाभारत में प्रभु कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, ये दूसरा, वो निकालो। ये देखिए, नटराज की मूर्ति है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पर, इसमें अकबर हैं, शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, महात्मा गांधी हैं, कबीर हैं, औरंगजेब नहीं है। ये मैं आपको क्यों दिखाने लाया, मैं चाहता हूं चर्चा करें। अगर आज भारत का संविधान बने और संविधान की सभा यह फैसला करेगी तो क्या ये चित्र आ पाएंगे? कहा जाएगा ये कम्युनल है, भारत की परंपरा को तोड़ा जा रहा है। हाँ वो दस्तखत दिखाओ, जो सबके दस्तखत दिखाओ। ये देखिए, ये राजेंद्र प्रसाद का दस्तखत है, नेहरू जी का दस्तखत है, अंबेडकर का, सरदार पटेल का, सबके दस्तखत है। भारत के संविधान को बनाने वाले भारत की परंपरा समझते थे कि भारत की परंपरा को भारत के संविधान में जगह मिलनी चाहिए। और हमारे जो वामपंथी मित्र कहते हैं ना, वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, तो संवैधानिक राष्ट्रवाद भी भारत की विरासत को सम्मान करता है। इतना ही मुझे कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नमस्ते।